जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक अघोर साधक और एक तंत्र साधक जो होता है, जो शुरुआती साधक होते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा विषय या सबसे एक्साइटमेंट भरा विषय होता है वो होता है शमशान की साधना करने का, कि शमशान में कैसे जाते हैं, कैसे साधना करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधक जो है ज्यादा से ज्यादा समय शमशान में बिताते हैं। ऐसे साधक हमारे साथ भी जुड़े, ऐसे साधक हमारे साथ भी थे जो कि शमशान में रहते थे। कई बार एक साधक थे, वो थोड़े मती से भ्रमित हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई कि वो ऐसे ही शमशान में बैठे हुए थे और हमेशा शमशान में जाकर के बैठते थे। एक दिन चिता से उड़कर एक मीट मांस का लोथड़ा उनकी तरफ गिरा, तो उनको लगा ये महाकाल का प्रसाद, उन्होंने खा लिया। और जब से खाया उनकी जो है मती जो थी वो भ्रमित हो गई। फिर भैरव बाबा की कृपा से, भैरव बाबा की आराधना और साधकों के बीच रह के उनकी मती जो है स्थिर हुई। एक गृहस्थ जब शमशान साधना करता है तो ये बिल्कुल ही एक नंगे तलवार पे खाली पैर चलने की तरह होता है, क्योंकि एक तरफ तो आपको सिद्धियां चाहिए, एक तरफ आपको देवताओं को सिद्ध करना है, एक तरफ आपको शक्तियों को जागृत करना है या शक्तियों को देखना है, शक्तियों से कुछ मांगना है ज्ञान के रूप में, और दूसरी तरफ ये भी तय रखना है कि अपने घर में कुछ भी अनिष्ट ना हो, आपके साथ कुछ भी अनिष्ट ना हो, ठीक है, आप स्वस्थ रहें, कोई शक्ति आप में ना चिपट जाए, ऐसा ना हो जाए कि आप जो है किसी शक्ति के प्रभाव में आ जाए और उसके बाद मतलब पता नहीं चलता है। अगर शक्ति आपके ऊपर सवार हो जाए, आप पजस्ड हो जाए, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पजस्ड हैं, ठीक है। तो करना क्या चाहिए मसान की साधना में, ठीक है, दो तरह का हिंदू धर्म में मसान होता है। एक वो होता है जहाँ पर जलाया जाता है और एक वो होता है जहाँ पर दफनाया जाता है। जहाँ पर दफन किया जाता है वहाँ 41 दिन तक कोई भी जो जहाँ पे दफन किया गया है कब्र, वो जीवित रहता है, ठीक है। और जहाँ पर जलाया जा रहा है वहाँ जब तक उस पर पानी ना छिड़का जाए वो स्थान जीवित रहता है, ठीक है। इसमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि मसान को जगाना है, मसान को उठाना है, मसान को बैठाना है, मसान खोलना है, इन सब चीज़ों में गृहस्थ साधकों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो ऐसे साधक है जिन्होंने घर छोड़ दिया है या टेम्प्रोरी काल के लिए भी जिन्होंने घर को छोड़ा है, वैसे साधक मसान को उठाना बैठाना या फिर मसान खोलना, मसान जगाना, ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। आम साधकों का क्या है, जब आप मसान में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि वहाँ पर घुसने से पहले 3 बार ताली बजाते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो जो भी मसान में भूत प्रतिद्याती हैं वो सतर्क हो जाते हैं कि आप वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, गुरु जो मंत्र दे मसान प्रवेश के लिए, अगर दे तो ठीक है, कुछ गुरु परिवारों में इसका मंत्र होता है, कुछ गुरु परिवारों में जो गुरु मंत्र है उसको पढ़ के ही शमशान में प्रवेश किया जाता है, तो आप प्रवेश कर लें, ठीक। तीसरा, जो भी सुरक्षा कवच गुरु ने दिया है उसको अवश्य धारण करें आप जब मसान साधना करने के लिए जाते हैं। चौथा, जब भी आप कहीं आसन लगाते हैं मसान में, कभी भी कोई सामग्री जो है ऐसी लेके नहीं जानी चाहिए जो आपको लेके वापस आने पड़े, सिवाय जो आपके तन पे कपड़े हैं उनको छोड़ करके। मसान में जब भी आप साधना करते हैं तो चाहे तो जमीन पर करेंगे, वो साधनाओं में बताया हुआ रहता है कि इस साधना को बिना आसन के करना है। अगर मसान के साधना में आसन के साथ करना है तो वो आसन मसान से लिया हुआ होना चाहिए। मतलब क्या, कोई कफन हो, ठीक है, या फिर जैसे बहुत बार लाश आती है और लाश के साथ जो है उसका बिस्तरा भी आता है तो वो हो सकता है, लेकिन जो कफन होता है उसको ज़्यादा अच्छा
आसन मानते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस पर आसन लगाइए। उसके बाद सुरक्षा घेरा जरूर डालिए, ठीक है। देखिए जब आप मसान में जाएंगे, ये मेरा अपना मत है, बाकी आप सब गुणी लोग हैं, साधक लोग हैं, तभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि कभी भी मसान में महाकाल, भैरव और भगवती के अलावा चौथी साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ जलाया जाता है वहाँ तो कतई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब आप साधना करते हैं तो जाप अगर कर रहे हैं तो आप जहाँ चिता जल रहा है वहाँ ना जाप करके, जहाँ पर गाढ़ा जाता है शरीर को, उस जगह पर जा करके आप जाप करें, ठीक है। जैसे 41 दिन की साधना है, 31 दिन की साधना है, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है वहाँ पंचमहाभूत का हवन होता रहता है, तो वहाँ भगवती और महाकाल साथ में विराजमान होते हैं, तो जहाँ पे माता पिता हों वहाँ बच्चों को नहीं रहना चाहिए। जब आप हवन क्रिया करेंगे तो तब आप उस स्थान पर जाइए जहाँ पर चिता जल रही हो, और उस स्थान पर, वैसे श्मशान में जहाँ चिता जल रही हो वहाँ 15 मिनट से ज़्यादा का समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। उसका हिंदी में काल गणना है, 17 मिनट कुछ सेकंड है, लेकिन आप यही समझिए कि जो भी हवन हो वो 15 मिनट में करके आप वहाँ से निकल जाइए। जो खाने पीने का जो व्यवहार है कि वहाँ मसान में बैठ के दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप देखिएगा कि ऐसे करने वाले साधक जो होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि बहुत सारे मसानों में लोग जो है दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो उनके पारिवारिक जीवन को भी आप देख सकते हैं जाके, ठीक। ये हो गया पहला बात। इसके बाद वहाँ जो आप जापमाला का प्रयोग करेंगे, कोशिश ये करना है कि आप करमाला का प्रयोग करें किसी भी मंत्र के जाप के लिए। अगर नहीं, बाध्य है कि आप रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, तो उस रुद्राक्ष की माला को सिर्फ श्मशान में जाप करने के लिए ही रखेंगे। उस रुद्राक्ष की माला का प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या जो भी है, स्फटिक की माला हो, जिस भी माला से आप जाप कर रहे हैं उसका प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना कर लिया, जब जाप करके उठ गए, बंधन को जब जाप करके उठते हैं तो उसको पूरा मिटाना चाहिए। हवन करके उठते हैं तो हवन का कोई भी चिन्ह उस श्मशान में नहीं दिखना चाहिए कि आपने वहाँ हवन किया। मान के चलिए चिता पे हवन नहीं किया, चिता से हटके आपने हवन किया है, तो भी वहाँ पर उसका निशान नहीं बचना चाहिए। आपने जैसे हवन कर लिया उस जगह को धो दें, आपने जहाँ जाप किया उस जगह को धो दें, आसन को तुरंत वहाँ से जो है फेंक देना चाहिए, आसन को उस जगह पे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मसान का किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जाप नहीं करे तो मसान में प्रसाद चढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपकी साधना में नहीं दिया हुआ है कि आप भोग दे तो आपको भोग नहीं देना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए श्मशान में। अगर दिया है दीपक जलाना है तो बस दीपक जलाएंगे, धूप नहीं जलाएंगे। अगर दिया है धूप जलाएंगे तो दीपक नहीं जलाएंगे। जितना साधना में क्रमबद्ध दिया है उतना ही आपको करना है। क्यों ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए आपने कुछ ऐसा चढ़ाया जो जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसके नियम में नहीं है, तो बाकी प्रेत भोग होता है और प्रेतों को ऐसा लगता है कि आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं। तो गलती से भी जितनी चीज़ों को, इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई साधक ऐसा बोलता है कि जाके श्मशान में या मसान में जाके दारू चढ़ा दो या प्रसाद चढ़ा दो, तो वो आपका अनिष्ट चाहता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। श्मशान जो है वो मजाक का चीज़ नहीं होता है। जब आप श्मशान से निकलते हैं उसके बाद उसकी सीमा को पार करके आपको हाथ पैर तो धोना होता है, साथ में कुल्ला करना होता है, ठीक है। और मसान से निकलते समय भी आपको 3 ताली बजानी होती है, ये बताने के लिए कि आप वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। जब आप घर आते हैं मसान से लौट के, फिर से अपने आप को आप पूरा शुद्ध करेंगे। सबसे बेहतर ये रहता है कि मसान से घर जाने के बीच में किसी देवालय में आपको 5-10 मिनट बैठ जाना चाहिए। देवालय नहीं खुला तो देवालय के बाहर बैठिए, ठीक है। देवालय के बाहर जो भी जल की व्यवस्था है उसमें खुद को फिर से शुद्ध कीजिए और फिर जो है घर जाइए। घर जब आप जाते हैं तो कोशिश करें, मतलब फिर से शुद्ध होकर के कोशिश करें कि जितना कम लोगों से बातचीत व्यवहार कर सके। दूसरे दिन जब स्नान करें तो फिर जीवन का जो आपका व्यवहार है, जो विचार है, उस व्यवहार और उस विचार में जाएं, ठीक है। समझने की बात यह है कि मसान बिल्कुल ही मजाक का चीज़ नहीं होता है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं श्मशान में साधना 41 दिन करेंगे, 40 दिन करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को भी श्मशान जाने की, मतलब साधना करने की आवश्यकता ना पड़े। वो लोग जिनको आप टीवी में देखते हैं, चाहे तो वो कौन आर्टिस्ट होते हैं, मतलब बहुरूपीय होते हैं,
वो ऐसा रूप बना के रखते हैं कि आप उनसे आकर्षित हो जाएं। जो मुख्य रूप से अघोर साधक होते हैं, जिनके गुरुओं ने अघोर की साधनाएं दे रखी होती है, वो तो बहुत छुप के साधना करते हैं, साधक को आप पहचान नहीं पाएंगे, वहां तक जाना भी बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ सुदूर साधनाएं करते हैं, छोटी साधनाएं करते हैं, ठीक है, वो साधना इसलिए करते हैं ताकि वो पैसा कमा पाए। एक गृहस्थ साधक को बहुत सोच समझ के साधनाएं करनी चाहिए। जितना श्मशान में किसी मंत्र को जाप करके लाभ है, अगर आपको सटकर्म में नहीं जाना है तो उससे कहीं ज्यादा लाभ उसी मंत्र को देवालय में करने से होता है। तो पहला तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हम जो है किसी हालत में मसान में साधना ना करें, नदी के तीर पे कर लें, जल का जो भी स्थान है, तालाब है शहर में, वहाँ कर लें, या फिर किसी देवालय में कर लें, किसी वन प्रदेश में कर लें, किसी पेड़ के नीचे कर लें, किसी शिवालय में कर लें। नहीं, अगर बिल्कुल ही मैंडेटरी, जैसे कुछ साधनाएं होती हैं भगवती की जो मसान में ही करना होता है, तो गुरु मंत्र लिए बिना मसान प्रवेश ना करें। गुरु मंत्र अगर आपके पास है तभी आप मसान की साधनाएं करें, ठीक है। मसान की साधना करने के बाद क्या होता है कि आपका आँख खुल जाता है और पागल होने का इंसान का जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके अलावा एक बात और है कि मसान अगर आपके साथ आ गया, आप सिद्ध साधक है तो हो सकता है कि आप बच जाइए, लेकिन आपके घर परिवार वाले जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं। गुरु आज्ञा से और बिल्कुल बंधन करके ही मसान में साधना करनी चाहिए। इतना शुरुआत के लिए काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को अनंत खुशियाँ दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।